शारदीय नवरात्रि का आज आखिरी और नौवां दिन है। ऐसे में माता रानी का पूरे 9 दिन का व्रत रखने वाले भक्तों ने मंगलवार को रामनवमी पर देवी की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। घरों, पंडालों और देवी मां के मंदिरों में मां के स्वरूप के रूप में कन्याओं को भोजन कराकर भक्त नवरात्रि पर्व का समापन कर रहे हैं। कालीबाड़ी स्थित दुर्गा मंदिर में नवरात्र समापन पर सैकड़ों कन्याओं को भोजन कराया गया। पहले कन्याओं का कुमकुम लगाकर पूजन किया गया, इसके बाद कन्याओं को जिमाया गया। वहीं भंडारे में हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे से पहले सभी मंदिरों में हवन पूजन के कार्यक्रम हुए। किला स्थित नवदुर्गा मंदिर में भी नवरात्र समापन पर कन्याओं को भोजन कराया गया। वहीं चौरसा घंटा मंदिर में सुबह 5 बजे से माता रानी के दर्शन पाने के लिए लोगों का तांता लगा रहा, जहां सड़क पर श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। वहीं इस दौरान माता रानी के मंदिर परिसर में नवमी के अवसर पर मेला भी लगा हुआ है, जिसमें लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। बच्चों के लिए सुंदर सुंदर खिलौने मेले में मिल रहे हैं। माता रानी की मूर्तियां और तस्वीरें मेले में आकर्षण का केंद्र बनी रही। नेकपुर स्थित ललिता देवी मंदिर में भी भीड़ के कारण पैर रखने की जगह नहीं थी। इस दौरान मंदिर के समिति के उपाध्यक्ष चेतन पटेल ने बताया कि मंदिर में माता रानी स्वयं प्रकट हुई थी। मंदिर में शहर ही नहीं, आसपास के लोग आते हैं। मान्यता है कि यहां लोगों की हर मनोकामना माता रानी की कृपा से पूरी हो जाती है। बहुत सालों से आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा मंदिर है और इसे हमें काफी सफलता प्राप्त हुई है इस माता से। और हमारी आगे इच्छा ये है कि मतलब हम जब तक जीवित रहें माता के चरण छूते रहें, आते रहें। इन मैया की कृपा से हमें बहुत कुछ मिला है और आगे ये है कि श्रद्धालुओं से कि ये माता बहुत सालों से हैं, जब हमने जन्म भी नहीं लिया जब से हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ मिला है। इतनी छोटी थी तब से ही आ रही हूँ। कैसा महसूस होता है आपको? क्या एक श्रद्धा भक्ति एक की भावना जागृत होती है। 25 ईयर हो गए। ये साल में जो है 2 बार यहाँ नवदुर्गे के मेले लगते हैं, 9-9 दिन। ये ललिता देवी माता का मंदिर है। ये मूर्ति स्वयं ही प्राकृतिक निकली हुई है माता, कोई मतलब जो विराजमान नहीं की गई है कहीं से लाके। और यहाँ जो है नवदुर्गों में लोग भक्तगण आते हैं, अपने सच्चे दिल से जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं माता उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ललिता माता का बड़ा मंदिर जो है अपने नीमसार में विराजमान है, उनका ही प्रतिरूप है माता। कितने पुराने मंदिर वाले? ये कई सौ वर्ष पुराना है। मंदिर का ये घर के बरेली में 3 मंदिर हैं, ये ललिता देवी मंदिर नेकपुर, धोबेश्वर नाथ मंदिर जो है धोपा, और नरियावल माँ शीतला देवी का मंदिर नरियावल में। कहाँ कहाँ के लोग आते हैं यहाँ पर? ये हमारे यहाँ मेन जो पूजा का पर्व जो है, जो अपने 84 गांव हैं कुर्मियों के, उनके अधिकतर लोग, बाकी शहर के लोग, सभी बरेली के लोग, दूर दराज के लोग भी यहाँ पे आते हैं। दिल्ली है, अपने लखनऊ है, जो जो लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, बड़ी बड़ी दूर तक के लोग यहाँ आते हैं।